अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकात। इस गाड़ी में ये होंडा फिट गाड़ी है और इसमें ये जो इलेक्ट्रॉनिक स्विच दिया हुआ है ट्रंक को ओपन करने के लिए, ये अगर काम ना करे किसी वजह से, किसी इलेक्ट्रॉनिक फॉल्ट की वजह से या स्विच इटसेल्फ अगर ख़राब हो जाए तो इसको किस तरह ओपन करना है ट्रंक को, ये आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो इसका तरीक़ाकार ये है कि आप गाड़ी के अंदर जाएं और यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि इसको किस तरीके से आपने ओपन करना है। ये मैकेनिकल लॉक है, ये आप देख रहे हैं, यहाँ पे एक इन्होंने ये पोर्ट दी हुई है, इसको आप हल्का सा क्लिक करेंगे तो ये प्लास्टिक जो है ये ओपन हो जाएगी। और यहाँ पे एक हुक आपको नज़र आ रही है ये, ठीक है, तो इसको आपने किसी स्क्रू ड्राइवर की मदद से या किसी चीज़ से ज़रा सा इसने आपने इसको राइट साइड में प्रेस करना है और पुश करेंगे तो ये ट्रंक ओपन हो जाएगा। उसके बाद फिर आप जब ट्रंक ओपन हो जाए तो फिर इसको चेक किया जा सकता है कि ये यहाँ पे आप देखेंगे ये स्विच इसका लगा हुआ है, ठीक है जी, ये ओपन करने के लिए ये स्विच लगा हुआ है इलेक्ट्रॉनिकली। और ये जो राइट साइड पे एक सिंगल स्विच है इसको आप प्रेस करेंगे तो पूरी गाड़ी लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो अब इस गाड़ी में क्या फॉल्ट है, इसके लिए फिर आप ये जो प्लास्टिक है इस प्लास्टिक को रिमूव करेंगे और जो है फिर वहाँ उस स्विच तक आपको एक्सेस मिलेगी और फिर आपने फर्दर चेक करना है क्या है गाड़ी में क्या फॉल्ट है, ठीक है जी। तो ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी थी, अगर कभी कोई ऐसा मसला हो जाए तो इस तरह ट्रंक को ओपन किया जा सकता है।